किसी नमाज को अदा करने के लिए क्या मस्जिद की अजान का इंतजार करना जरूरी है, उसको सुनकर फिर हम अपनी नमाज अदा करें, या नमाज का जो टाइम टेबल है उसमें नमाज का वक्त हो गया तो हम अपनी नमाज पढ़ लें, क्योंकि हम अपने काम में भी होती हैं, बच्चों को संभालना, खाना पकाना, घर में देखना सब, तो इस पर रहनुमाई फरमाए। जब नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ सकती हो, लेकिन बेहतर यह है कि जब मस्जिद की अजान हो जाए तो उसके बाद ही हम कोई भी नमाज पढ़ें। अपने घर में पढ़ती हो तो घर में पढ़ो, लेकिन अजान होने के बाद। और जुमा व ईदैन में यह हुक्म है, ईदैन तो है नहीं और जुमा के दिन यह हुक्म है कि जब ये मालूम हो जाए कि जुमा की नमाज अपनी मस्जिद में हो चुकी, इमाम ने सलाम फेर दिया, तो उसके बाद वो अपने घर में जोहर की नमाज पढ़े। इसके बारे में तो किताबों में लिखा हुआ मौजूद है कि अजान हो गई, जब खुतबा हो गया, जमात हो गई, इमाम ने सलाम फेर दिया, जब ये मालूम हो जाए तो मालूम होने के बाद वो फिर अपनी नमाज पढ़ें, अपनी नमाज अदा करें। यही हुक्म बकिया नमाजों में भी होगा, मगर जुमा में ये जरूरी है और बकिया नमाजों में जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर तो है। तो बेहतर यही है कि जब मस्जिद की अजान हो जाए तब वो नमाज पढ़ें। अगर कोई जल्दी हो, मसलन सफर में जाना है और ट्रेन छूट जाए या प्लेन छूट जाए या और कोई बात है, तो वो अव्वल वक्त में पढ़ करके जा सकती है। तो जुमा अगर पहले पढ़ लिया अब क्या हुक्म होगा उस पर? नहीं, उनको नमाज दोहरानी पड़ेगी, दोहरानी पड़ेगी। अच्छा, ये खवातीन के लिए है? खवातीन के, अच्छा, बिलफर्ज खवातीन के लिए नहीं। हाँ। खवातीन है, हाँ। वो मरीज मर्द या मुसाफिर मर्द जो जुमा में शरीक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी यही, उनके लिए भी यही है। कोई मुसाफिर है, शरई मुसाफिर सफर कर रहा है, हाँ। और जुमा में नहीं पहुंच सकता, हाँ। कहीं, तो वो जुमा होने का इंतजार करे, जुमा होने का इंतजार करे, और जब जुमा एक जगह भी कहीं जुमा हो जाए तो उसके बाद से वो जोर पढ़ सकता है। अच्छा, ऐसे जो मरीज घर में है, जा नहीं सकता मस्जिद, तो वो नमाज पढ़ेगा जोर की, मगर जुमा होने के बाद, जुमा की नमाज। जैसे मैं बस में सफर कर रहा हूँ और जुमा की नमाज होने में अभी कहीं वक्त है आगे, और यहाँ मुझे मौका है कि मैं नमाज जोहर का वक्त हो गया है शुरू, तो अपनी नमाज अदा कर लूँ, तो इस सूरत में मैं क्या करूँगा? बस तो मेरे बस में नहीं है। से करीब है जी, उस शहर के बारे में अगर ये मालूम हो जाए कि वहाँ के इमाम अहले सुन्नत ने जुमा की नमाज पढ़ ली, सलाम फेर दिया है, पहले से वक्त मालूम कर ले, तो फिर वो जोहर पढ़ सकता है। मैं बस के बारे में पूछ रहा हूँ, इसमें बस में सफर कर रहा हूँ, बस तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं रुकेगी, और मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ बस रुकी हुई है और वक्त हो गया है जोहर का, अब आगे नहीं रुकने वाली, तो उस वक्त मैं जोहर पढ़ लूँ? जुमा का दिन है। नहीं, उस वक्त भी बचे। अच्छा, जब जुमा हो जाए तो उसके बाद से आगे बढ़े, ड्राइवर से बात कर ले जी, और वो नमाज पढ़े। अच्छा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये बहुत ही गहरी बात थी जो आज मालूम हुई, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।